पी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी आर पी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। साहिबगंज में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जिला के जीरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के सोलबंधा गांव का रहने वाला एक टोटो चालक अपनी पत्नी को पैर में जंजीर बांधकर रखता था। आज रात उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और खुद फरार हो गया। हत्या के कई कारण बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों के हवाले कर दिया है। घटना के संबंध में पुलिस अधिकारी का कहना है कि सोलबंधा गांव के निवासी प्रमोद यादव टोटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके चार बच्चे हैं, तीन लड़के व एक लड़की है। पत्नी भी किसी स्वयं सहायता समूह में सदस्य थी। सोमवार को अहले सुबह 35 वर्षीय प्रमोद यादव ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी विभा देवी की हत्या धारदार हथियार से कर दी। हत्या करने के बाद प्रमोद फरार हो गया। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही जिरवाबाड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस जांच पदाधिकारी प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस ने जब शव बरामद किया था उस समय भी विभा देवी का पैर जंजीरों में बंधा हुआ था। बहरहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। साहिबगंज से शिवशंकर निराला की रिपोर्ट। लोग पहुंचे तो देखे कि लोगों का भीड़ लगा हुआ था और जब घर के अंदर घुसे तो ये विभा देवी जो मृतक है उसका पैर सिक्कड़ से बांधा हुआ था और उसका जो चेहरा था वो किसी धारदार हथियार से ऐसा लग रहा था कि इसको काटा गया है और बाएं कंधे में भी जख्म था धारदार हथियार से। गला रेत करके हत्या की? नहीं, गला रेत की हत्या नहीं, मतलब चेहरे पे तलवार से निशान था। शरीर का कोई अंग तो कटा नहीं गया? शरीर का कोई अंग नहीं कटा था, बस चेहरा ही को ही छत लग रहा था, कर दिया गया। आपको कितने बजे सूचना मिली सर? हमें करीब 5:30 बजे की सूचना मिली। किनके द्वारा सूचना? सूचना तो हमें थाना के माध्यम से ही मिली थी, थाना मंत्री के माध्यम से। उसके बाद फिर हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो घटनास्थल पर सभी लोग जमा थे, जो मृतक है उनके जो रिलेटिव थे भाई वो भी पहुंचे थे। परिजनों का क्या आरोप है सर? परिजनों का आरोप यही है कि इनका जो पति है प्रमोद यादव, उसी को मतलब इनके शक था कि ये उसको छोड़ के चली जाएगी या फिर ये बाहर काम के उद्देश्य से जाती थी काम करने के लिए, तो उनको डाउट होता था कि ये उनको छोड़ के चली जाएगी, जिस कारण से वो इनको बांध के रखता था और उनका आरोप था कि उसी ने इनकी हत्या की। उसके मुँह में कपड़ा ठो उसके पहले जान मारा गया, उसके बाद उस तरवाल से हमला किया, बस उसके बाद आवाज़ आया तो हम लोग जागे, फिर जागने के बाद हम लोग भी उसका पीछा किए, पीछा करते करते हम लोग भी गए पकड़ने। एक बार गिरा दिए उसको, हम गिरा के जैसे हम गए उसको पकड़ने के लिए, बस हमरे पर वार कर दिया तरवाल से, बस उसके बगल में गड्ढा था, हम पीछे हटने चलते गड्ढा में गिर गए, तालाब में बस वो भाग गए।